भारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम हमेशा से ही सही मानते रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोगों को ऐसा नहीं पता होगा जिसे आप आज तक सच मानते रहे हैं, वो असल में कोरा झूठ है। तो आज हम आपको बताएंगे इन्हीं 7 झूठों के बारे में जिन्हें आप सच मानकर बैठे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिरी नंबर का झूठ आपको हैरान कर देगा। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। झूठ नंबर 7, महात्मा गांधी ने कहा था कि एक आंख के बदले एक आंख दुनिया को अंधा बना देगी। महात्मा गांधी ने अपने संदेशों के जरिए देश ही नहीं दुनिया भर में जागरूकता फैलाई है। उनके एक लाइन में कहे गए वाक्य दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन एन आई फॉर एन आई वुड लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इस वाक्य को जिसे आप महात्मा गांधी का मान रहे हैं, वो दरअसल गांधी फिल्म में बेन किंग्सले ने कही थे, और इस बारे में ऐसा कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है कि महात्मा गांधी ने ये वाक्य कहा था। झूठ नंबर 6, मिल्खा सिंह ने रेस के दौरान पीछे मुड़कर देखा था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। आप आज तक सुनते आए होंगे कि मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में रेस के दौरान सबसे आगे थे, और इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था, जबकि हकीकत यह है कि मिल्खा सिंह इस रेस में 5वीं लेन में थे। अपने जबरदस्त प्रयास के बाद वो इस रेस में 4थे स्थान पर रहे थे। झूठ नंबर 5, हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है। काफी सालों से आप सभी हॉकी को देश का राष्ट्रीय खेल मानते आ रहे हैं, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में इस बात का खुलासा हुआ है कि हॉकी को देश के राष्ट्रीय खेल के तौर पर कभी घोषित ही नहीं किया गया। बावजूद इसके हम और आप एनसीईआरटी की किताबों में हॉकी को देश के राष्ट्रीय खेल के तौर पर पढ़ते आ रहे हैं। झूठ नंबर 4, हिंदी देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा है। आप भी मेरी तरह शुरू से ही पढ़ते आए होंगे कि हिंदी देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी सहित 20 से अधिक ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया गया है। यही नहीं, सभी राज्यों को अपनी भाषा के प्रचार प्रसार की इजाजत भी दी गई है। झूठ नंबर 3, आजादी के बाद से ही देश सेक्युलर है। हम शुरू से ऐसा मानते आ रहे हैं कि देश आजादी के बाद से ही सेक्युलर देश है, जबकि हकीकत यह है कि देश के संविधान की प्रस्तावना में 1947 में सेक्युलर शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया था, बल्कि 1976 में संवैधानिक संशोधन के बाद सेक्युलर शब्द को संविधान में शामिल किया गया था। झूठ नंबर 2, महात्मा गांधी मॉडल के साथ नृत्य कर रहे हैं। इस तस्वीर में महात्मा गांधी को मॉडल के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जबकि हकीकत यह है कि गांधी जैसे दिखने वाला ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का अभिनेता है, जिसने गांधी जी की तरह ही वेशभूषा धारण कर रखी है। झूठ नंबर 1, अयोध्या रामायण के काल से ही अस्तित्व में है। अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था। ये शहर रामायण के काल से अपने अस्तित्व में नहीं है, बल्कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि थाईलैंड में भी अयोध्या के नाम से एक शहर है, जिसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये पौराणिक राम का शहर है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस झूठ ने चौंकाया।